अभी आप इस तरह किस तरह से देखती है कि वहाँ की सिचुएशन जो है, आप वहाँ जाने का निर्णय किस तरह से ले रही है, आपको किस तरह से धमकी वगैरह ऐसा कुछ अभी हो रहा है कि? सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक के बाद 400 से ज़्यादा धमकियाँ जान से मारने की हो या फिर गंदी गालियाँ जो है वो हमें दी गई हैं। कल से जो है वो और ज़्यादा जो धमकियाँ है वो हमें बढ़ती जा रही है। लेकिन वहाँ पे जाने का जो हमारा विचार है तो वहाँ की जो वायलेंस की जो एक वहाँ की एक सिचुएशन है तो उसे अगर आप देखेंगे तो हम अगर वहाँ पर जाएंगे और कोई वायलेंस होगा तो ये हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है। शांततापूर्ण से जो है वो हमारा वहां पे दर्शन होना चाहिए, महिलाओं को एंट्री मिलनी चाहिए। और अगर मैं जाती हूं तो वहां पे ज्यादा वॉयलेंस हो सकता है, इसलिए जो है वो अभी तक हमने डेट डिक्लेयर नहीं की। लेकिन 2 दिन में वहां का जो कुछ सिचुएशन है वो देखकर तुरंत जो है वो डेट डिक्लेयर की जाएगी और हम वहां पे शबरीमाला मंदिर में अंदर जाएंगे। लेकिन जो कुछ महिलाएं आगे आ रही हैं जिनको वहां पे जाना है, जो 10 to 50 years की महिलाएं हैं, उनको मुझे यही अपील करनी है कि केरला सरकार आपको प्रोटेक्शन दे रही है। विरोध होगा लेकिन उन्होंने कहा है कि गांधीगिरी मार्ग से होगा, तो जिनको जाना है उन्होंने जाना चाहिए। और वहां पे कोई अगर वॉयलेंस होगा तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वहां पे की केरला सरकार, देवस्वम बोर्ड और वहां के प्रीस्ट की रहेगी।